वेलकम बैक टू द चैनल। मी अनिल आप सबका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। दोस्तों अभी सुबह के 6 बज गए एंड हम लोग निकल चुके हैं बाइक राइडिंग के लिए। नासिक शाहपुर जाने का प्लान है शायद से, सो निकलते हैं। और ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है दोस्तों। पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अपने इस चैनल को। तो दोस्तों 6:30 बजे सब मिड पॉइंट से निकल जाएंगे। अपन अभी तो यहाँ से निकलना है और वेट कर रहे हैं बाकी के बाइकर्स का। ये पहुंच चुके हैं हम भातसा डैम गेट पे। आधे जन पहुंच गए, आधे जन पीछे से आ रहे हैं। पे 15 से 20 मिनट हो गया, अभी हम लोग निकल रहे हैं भातसा डैम के लिए। काफ़ी अच्छा है एंड एज यूजुअल नंबर ऑफ बाइकर्स बहुत ज़्यादा है, इसके लिए वेट कर रहे हैं। एंड ये है व्यू। पानी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू है। बाइक 101 बाइक है यहाँ पे, लाइक ये आप देख सकते हैं। कुछ अलग ही मॉडिफाई करके रख दिया भाई ने। यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए हैं। अभी यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन पता नहीं, लेकिन देखते हैं। सुबह के 8 बज गए हैं यहाँ पे और एक टेंपल है यहाँ पे, दत्त मंदिर। यानी ये भातसा डैम। गाइज ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आ जाएगा, क्योंकि एंडिंग में बहुत सारे व्यूज़ आपको देखने मिलेंगे। सो एंड तक बने रहे। हाफ एन आवर के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बाइक का यहाँ तक आवाज आ रहा है भाई। सुबह के 7 बजे पहुँचे थे और ये बंदे की वजह से ये आज मुमकिन हो गया है। कहाँ तक उड़े जाए सर? इगतपुरी। इगतपुरी तकरा घाट करूँ।
सुपरवाइज करना है क्या? ओके सर। सो प्लान फिक्स हो गया, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से इगतपुरी। इगतपुरी से सुपरवाइज करना बोल रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। अभी टाइम हो चुका है 8:30, निकलते हैं। अभी ये लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं, उसके बाद निकल जाएंगे आगे। हादसा डैम से तो आ गए हम लोग, फिर आगे की जर्नी देखते हैं कहाँ पे। डैम टू अपर बैतरणा कुछ 70-80 किलोमीटर समथिंग जाना है। तो गाइस कसरा घाट के स्टार्टिंग में हम लोग रुक गए हैं नाश्ता करने के लिए। तो अभी बज गए हैं, अभी टाइम हो रहा है 9:13, मतलब कि 9:15 हो गया। हम लोग नाश्ता करके निकल जाएंगे यहाँ से। अभी हम लोग पहुंच गए नासिक रोड से त्रिम्बकेश्वर रोड एंड बैतरणा रोड पे। तो हम लोग अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं बाकी बाइकर्स का जो पीछे थे। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए बैतरणा के यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग को जाना है अंदर, थोड़ा ऑफ रोड ही है। सेम वेट कर रहे हैं वो लोग का जो पीछे थे। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए जहाँ पे अपने को पहुंचना था, ठीक है। बैतरणा डैम जो कि आता है नासिक साइड में। सो बहुत वेट करना पड़ा, अभी 12:30 बज गए अभी एंड हम लोग पहुंच गए। बहुत सारी बाइक थी एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि बहुत मज़ा आया राइड में। मैं सच्ची बताऊँ तो मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम था ये राइड इतना लंबा, और अभी ऐसे साइड में ऐसे घूमते घूमते आना फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बहुत एंजॉय किया है, अब मैं ना बता नहीं सकता कि इतना एंजॉयमेंट किया मैंने।
और माइंड ब्लोइंग कंपनी थी, जो कि सब दोस्त लोग नए एंड आपको व्यू दिखाता हूँ। ये पहला तो कहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ, बहुत दिन के बाद मैं यहाँ पे पहुँच गया, और ये जगह के लिए यार आपको एक लाइक तो बनता है। मॉर्निंग में 5:30 बजे उड़ गया था, 5:30 बजे के बाद 6 बजे निकल गए कल्याण से। 6 बजे के बाद बैठ के बताता हूँ आपको, फर्स्ट गए भादसा डैम, उसके बाद आए वैतरना डैम। ये कम से कम बहुत राइड किया, आई थिंक 150 किलोमीटर हो गया हम लोग का सुबह से, पता नहीं मॉर्निंग से निकले हैं, 150 किलोमीटर हो चुका होगा। और यहाँ पे पूरी शांति है, कोई है नहीं, बहुत सारे जन नए थे, और उसमें उसमें से मेरा एक ही दोस्त था, उसके बाद फ्रेंड्स बढ़ने लगे तो अच्छा लगा। एंड अभी आपको व्यू दिखाता हूँ, कैसे कैसे रोड से हम लोग आए थे, बहुत टर्निंग वाले रोड थे। बहुत ही शांति है यहाँ पे, और ऐसी जगह पे कौन नहीं आना चाहता। ये वाले रोड से हो के हम लोग ऐसे 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 यहाँ पे पहुंच गए। आते समय बहुत सारी बाइक थी एंड अभी यहाँ पे पहुंच गए हो तो 4-5 बाइक। सो ठीक है, व्यू भी ठीक है, एंजॉयमेंट भी हुआ, राइडिंग भी हुई, मन की तमन्ना पूरी हो गई। एंड थोड़ी देर यहाँ पे करते आराम, उसके बाद निकलना। ये बंटी है, तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये भादसा डैम, वैतरना डैम, ये सब जगह एक ही दिन में देखने मिली। एंड मैं भी खुश नसीब हूँ कि आज का ये व्लॉग मुझे बनाना अच्छा लगा, मतलब कि अच्छा फील हो रहा है, एंड बहुत ही एंजॉयमेंट किया। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट चाहिए वो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे बहुत ही शांति है, हवा ऐसे ठंडी ठंडी आ रही, बहुत ही सेटिस्फाई लग रहा है, और बहुत दिन के बाद ऐसा सुकून मिला है। और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था राइडिंग का। अभी अपन लोग यहाँ पे थोड़ा घूम लेते हैं, तो अभी हम लोग बचे हैं 4, अभी हम लोग निकलने वाले कल्याण के लिए। एंड यहाँ से मैक्सिमम 130-140 किलोमीटर कल्याण रहेगा, निकलते हैं यहाँ से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अपने इस चैनल को। मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय शाम।